यही हमारा सत्य पथ। बस्ती को अगर सीधा करने की कोशिश करेगा जो टेढ़ी हो उसी से काम लेना, अगर इसमें फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर भी नहीं किया जाता हड्डी वाले, उसको ऐसे हाल के तोड़ देते हैं, वैसे जोड़ने को। तो ये लिखा है कि घर में दीन की बात बतानी चाहिए, किताब पढ़ के सुनानी चाहिए, मसाइल बतानी चाहिए, बस की जिम्मेदारी है। और किताब पढ़ करके बता दे जो सही मसला है वो बता दे, बजाय किताब पढ़ के उनके फजीलत बता दे, अब उसके बाद डंडा लेके पीछे न पड़े। हमारे जिम्मे है पढ़ के सुना दे, सही बात बता दे, मुझे समझा दे, अब छोड़ दे उसके, अब उसको सीधा करने की कोशिश न करें और डूब जाएगा। तो एक उन्होंने बताया कि घर में लड़ाई न करें, और दूसरे जहां कोई काम करता आठ घंटे ड्यूटी देता है ना, डिपार्टमेंट में या ऑफिस में या कहीं प्राइवेट में, वहां अपना खुश अखलाकी के साथ, ये नहीं कि वहां कूल माइंड होकर के अगर कोई चीज हो तो उसको बर्दाश्त कर जाए, क्योंकि अगर वहां लड़ाई करेगा डिपार्टमेंट में या जहां अपना काम कर रहा है तो आठ घंटे सुकून मिल जाएगा, हर वक्त टेंस रहेगा। आप किसी से लड़ाई करी वो सामने आ गया वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन है ना। तो वहां अगर आदमी इसकी मशक करे कि अपना जहां रहे लोगों को खिलाए पिलाए चाय पिलाए मोहब्बत से पेश आए, मोहब्बत आप दिल में अगर किसी के साथ मोहब्बत रखेंगे तो उसका असर मुखातिब पर भी पड़ेगा। इसलिए कहा गया मोहब्बत फात है आदम, कुत्ता है आप देखिए लोग काटते हैं उसको, कुत्ते को अगर आप रोटी खिलाए मोहब्बत में तो आपके दरवाजे पर डेरा डाल देगा, वही खिलाता रहेगा, आप दरवाजे खोलकर नहीं जाएगा। तो इंसान तो गुस्से से बना हुआ है, कोई भी इंसान अगर आप उसको फल खिलाएं मोहब्बत से पेश आए अच्छी बोलाई गुफ्तगु करें, लईन कलाम कहते हैं मीठी जबान लईन कलाम और ठंडा दिमाग, ये अगर आदमी किसी को मिल जाए तो बड़ी नेमत है। जबान के बोल मीठे हो और बात करे तो अनेजी जैसे कहते हैं सुबह बात करते हैं जैसे फूल झड़ता, ये नहीं जैसे डंक मार दिया हो, ऐसी बात ना करें। और ठंडा दिमाग, जैसे बताते हैं ना बर्फ की सील होती है अगर उस पर जितने भी अंगारे डाल के हो जाए दाम के वो सब उससे चले जाते हैं, ऐसा नहीं कढ़ाई के तेल की तरह ना हुआ, कढ़ाई जैसे जिलेबी खानी जाती है पकौड़ी, अब वो उसमें अगर जरा सा आप पानी डालते हैं या फिर उससे आ सके तो ऐसा नहीं कि जरा सी बात है एकदम आपसे चबा हो गया कढ़ाई के ठंडा दिमाग ठंडा। अब उसके लिए गुस्सा आए तो कहा गया पानी पी लो, गुस्सा जब आता है तो शैतान खून में गर्दिश करने लगता है और आदमी अगर लेटा हुआ बैठ जाता है और बैठा होता तो आदमी के हाथ खड़ा हो जाता दो दो हाथ करने के, और हमारे यहां क्या कहा है गुस्सा आए तो पानी पी लो, तोड़ वजू कर लो, खड़े हो तो बैठ जाओ और बैठे हो तो लेट जाओ या हट जाओ, यह उनका होता है। ये सब तरकीबें बताई गई है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आदमी ऐसी जिंदगी गुजारे जिससे लोगों को नफा हो। हमारे हकीम अब्दुल हमीद साहब ने देखो कितना बड़ा काम अच्छा है उसके लिए, उनकी कवर पर बहुत से कोटेशन लिखे हुए, मैं ले जाता हूँ बाइक भी ले गया। उन्होंने कहा मुझे नफरत से नफरत है, नफरत से नफरत है, गुनाह से तो कराइए होनी चाहिए, गुनाह वैसे इंसान से किसी से नफरत नहीं। तब अल्लाह जैसे माँ अगर बच्चा अगर गंदगी में लत पक जाए तो माँ जो है गंदगी से तो कराइए करती है, नाक बंद करती है पाउडर लगा देती है, ऐसा नहीं कि अगर गंदगी में लत पक हो गया तो उनको नाली में फेंक दे माँ को चल को नदी में फेंक दे, होता है कोई चाहे कितना गुनहगार है वो
जात से नफरत होगा, बहुत रहेगा हाँ, उसके उसके अमल जो खराब अमल है उसके कराई और ये लिखा है कि 91 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। कहा लिखा है पूरी जिंदगी मैंने जब से होश संभाला है जिंदगी में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिस्तर पर पड़ा हो और सूरज निकल आया हो, पूरी जिंदगी और पूरी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं मुझे हुई, सिर्फ एक बार आंखों में दर्द हुआ और एक बिस्तर में दर्द हुआ और लोग खड़ी मिलाते तहज्जुद से पहले फजर से पहले वो वॉकिंग करने के और लोग खड़ी मिलाते थे कि अब हकीम साहब आ रहे ऐसे और उसके बाद पूरा 24 घंटे का एक मिनट उसका जो चेक था ऐसे। तो मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह ताला ने ये जिंदगी दी है हमें बड़ी कीमती है, सबसे कीमती सरमाया आदमी का वक्त होता है, वक्त को जो है ना यूजफुल बनाया अपने जो जिम्मेदारियां हैं जो ड्यूटी है उनको ज्यादादारी के साथ करें, पढ़ाने की हो या मरीज देखने की हो या कहीं भी ये अमानत है उसको पूरा वो भी हरा कभी भी नहीं कर सकते, ये भी ड्यूटी है। उसके बाद अल्लाह के हम बंदे हैं तो उसकी बंदगी करें उसके अहकाम को बदलें और हमारे खरण थे कि भाई उसे खुद फरमा लेते थे कहने लगे भाई देखो दो असल तो दो काम करते हैं हमको, एक तो अल्लाह के बंदा होने की हैसियत से हमें अल्लाह की बंदगी में कर दिया जाए और दूसरे अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ही तो बनाई है सारी मखलूक, उसमें जानवर भी हैं जूते भी हैं जिंदे भी हैं और सबसे अशरफ जो है इंसान, इंसान खुलासे का इंसान का दूसरा काम यह है कि हम अल्लाह के बंदों की खिदमत करें, अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के बंदों की खिदमत करें, वो राहत मिला उनको खुशी बख्शा, ये असल ये दो बातें अगर किसी ने पकड़ ली बस उनकी जिंदगी तो बहुत ही कहते हैं बाबरकत हो जाएगी और वो कैसे हैं कि मैन ऑफ द मैग्नेट बन जाएगा, मखनातीसी शख्सियत को कहते हैं मखनातीसी शख्सियत। हकीम साहब क्या लोग तहज्जुद से नाम जो है मालूम हुआ लाइव लगा रहे थे दिखाने के लिए अजीरिया अपनी देखते थे वहां तो लिखा है तकरीबन 40-50 लाख मरीजों को देखा और 60 साल खत्म किया और उनकी दवाने में मैंने खुद पढ़ा है उन्होंने ज्यादा मुझे लिखा तो मैंने कम करके मैं बता रहा हूँ 40-50 लाख मरीज और बड़े बड़े बार हुआ कि मरा जाते उनके पास बातों का किधर से आए कितने अवार्ड मिले और बड़े बड़े अवार्ड मिलते तो वो उनको खुशी नहीं होती, कहते थे भाई मेरे साथ एक हादसा पेश आया, ये कहते थे अवार्ड मिलता था तो कहते थे हादसा पेश पदम श्री का और पदम कितने अवार्ड मिले ऐसा। और इब्ने सीना रशा में इब्ने सीना हम जो है उनकी बरसी बनाई जा रही थी गोली सीना जो है तो हकीम साहब को खासतौर से मजबूत किया गया तो उनकी वही पुरानी शेरवानी और पुरानी टोपी जो है उनके घर वालों ने कहा नई शेरवानी सिला दीजिए टोपी से बदल दीजिए, नहीं नहीं इसी को रिपेयर करा दो और वही शेरवानी वही टोपी बनी हुई है उन सब चीजों से उसको वापसी नहीं था लेकिन कितनी और ऐसी। तो ये बताया कि एक तो अल्लाह के बंदों की खिदमत है खिदमत, एक जगह हम लोग जमात में गए मुजफ्फर नगर डॉक्टरों की जमात थी हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर थे हुए तो वहां एक डॉक्टरों का जोड़ किया गया हम लोग मोटी मुजफ्फर नगर तो एक साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन थे कौड़ा मस्जिद होम तो हमारे यहाँ के दो उस्ताद थे
तो उनसे वो बहस करते रहे घर को कि आप लोग दया कर आप लोग जमात में जरा के हम लोग को किस्मत से खल कर रहे हैं इतना लोगों को। तो जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप किस्मत खल नहीं आपको किस्मत हलफ कर रहे हैं आप अगर फ्री अपना ऑपरेशन करें फ्री कंसल्टेशन करें तब तो आ जाएगा किस्मत खल। आप तो 5 रुपये का कंसल्टेशन फीस ले रहे हैं और एडमिट हो जाए आदमी तो उससे उसकी तो कितना बड़ा बिल बनेगा। ये खिदमत हलफ है या खिदमत हलफ है तो बताइए सर। तो असल की तो ये वक्त कहते थे कि अल्लाह के बंदों को जो है फायदा ये खिदमत करना। चुनाचो वहां डाक आ गए थे हाँ साहब थे वो आ गए 24 घंटे ये 24 घंटे की तस्वीर करके हम लोग देवबंद ले गए एक पूरी बस भर के एक रात गुजारी होगी उन्होंने। और वो ये काम जब तक निकले नहीं आदमी को समझ में नहीं आता कि है क्या वहां वही ईमान की आखिरत की मरने के बाद की जिंदगी की ये तो हकीकत है मौत हकीकत है और जन्नत और जहन्नम हकीकत है। ये सब तो वो कह रहे हैं कहते जैसी करनी वैसी भरनी ना माने तो करके दे जन्नत भी है दोजख भी है ना माने तो मर के दे बच के देखेगा। जब ये बातें आती हैं तो हर आदमी का दिल मुतासिर होता है। हम लोग बराबर में बैठे नाश्ते पर एक रात सुनने की खाली और वही खान साहब जो बहस कर रहे थे क्यों निकालते वक्त जाया कराते मेरे बगल में बैठे थे डॉक्टर मोहम्मद में क्या बैठे थे वहां कहने लगे कि डॉक्टर साहब हो चुकी है आप लोगों का निकाल के लाए हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि कितना मुझे काम है। I cannot imagine how effective this work is. और लास्ट दिन था हम लोगों का वहां से दिल्ली जाना था उन्होंने कहा देखिए हमारी बस की गुंजाइश है आपकी जमात जो गाड़ी देवबंद से जाएगी वो मुजफ्फरनगर होके जाएगी तो आप लोग इसी पर वापस चलिए हम लोग आपको बेहतरीन नाश्ता कराएंगे सियाब करेंगे डोसा देंगे तब आपको वैसे नहीं जाने देंगे अब आप भी हमारी तरकीब की तो हम आगे जो भी धरना हमारी मदद और पूरी जमात को वापस ले गए और बड़ा एहतराम किया फिर अपना खूब एहतराम करके स्टेशन छोड़ने आए तरह से रुक निकलने के बाद आदमी को एहसास होता है। तो मेरे भाई और दोस्तों ये मुबारक मेहनत हो रही है ये खास तौर से ईमान वालों को लिए जो मुसलमान अपने को कहते हैं उनको भला बनाने के लिए कि हम भले मानुष बन जाए हमारे अंदर आखिरत की फिक्र आ जाए हम अल्लाह के इबादत करने वाले बन जाएं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने वाले इंसानियत की खिदमत करने वाले बने कोई भी हो किसी मजहब का हो हम उसको नफा पहुंचाए। अब मरीज आएगा तो आप ये कोई भी मरीज हो उसको हम ज्ञानदारी से देखें और उसके साथ अखलाक से पेश आए उसका भला चाहें है ना उसकी सेहत के लिए दुआ करें तो आप देखिए कितना वो आपकी नस्बत हो। और अभी ये जो यमुना एक्सप्रेस में जाते हैं ना उससे एक्सप्रेस से पहले एक गांव पड़ता हुआ वहां का एक जो प्रधान वहां का और चौधरी वहां उसका बेटा यहाँ आया भाई वो बहुत सीरियस जानी अब दिव्या बेटे दिव्या में हमने ट्रीटमेंट करा के इलाज जानी का हमारे यहाँ हो जाता है इलाज खाना वो ठीक हो गया बहुत और बहुत इधर उधर अब उसके बाद उसका किन यहाँ आता रहा और बिल्कुल बेचारे इतने अफीजत थे और कहा कि आप दिखी जाके हमारे घर पर जरूर आप आ जाइए आपके यहाँ कदम यहाँ हो जाए हम आपकी सेवा करें ये करें और अब आकर तो अखलाक से अगर आप किसी से पेश आए तो कहते हैं कि वो उसका असर पड़ता है अपना हर एक को नफा पड़ता है हर एक को ये इसकी दावत है इसमें यह बेहतर कि हमें हर एक अल्लाह के बंदों की खिदमत करें और जिस मालिक ने हमें पैदा किया है उसका कहा माने उसकी इबादत करें उसकी बंदगी करें इस जिंदगी को सीखने के लिए हम तो इसके लिए कहा जाता वक्त होता दिन भी निकालें बहुवेश वक्त निकालें अल्लाह तौफीक दे तो अब देखिए कोई भी कोर्स जो है एक साल से कम नहीं होता दीन को अल्लाह ताला ने आसान बनाया अल्लाह के रास्ते में निकल करके हम जो है थोड़ा सबक लगा देंगे जब आखिरत की फिक्र आ जाएगी कि मरना है मुझे सवाल का जवाब देना है कब्र में जाना है यही चीज आदमी को बुराई से रोक सकती है
और यही चीज हम भलाई पर आमादा कर सकते, इसके अलावा कोई चीज आमादा। इसके लिए कहा जाता है कि अपना थोड़ा सा वक्त वाली करें, जान माल वक्त अपने लिए, अपने को बनाने के लिए, हम ठीक हो जाए, हम भले बंद बन जाए, हम अल्लाह के सच्चे वफादार बंदे बन जाए और लोगों के लिए नफा वक्त बन जाए, तो अल्लाह तआला की तरफ से हिफाजत नफा वक्त। तो इसके लिए कहा जाता है, इरादा कराया जाता है। इरादा की ये पहली शर्त है, अल्लाह का जाब्ता यह है, अल्लाह की सुन्नत तो यह है कि जब कोई नियत करके अपने को बदलने का इरादा करेगा, अल्लाह उसको अल्लाह की रहमत के लिए उसको। और अगर आदमी कोई अपना इस्तिग़ना बरते नीचे और पीठ फेर के भागता रहे तो ऐसा नहीं होगा, जबरदस्ती उसको हिदायत दे दी जाती है। पहली चीज यह है कि आदमी के अंदर खुद तलब और ये इरादा करे कि मुझे भला बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे नेक बनना है, सादे बनना, नफा वक्त बनना। जब नियत करेगा तब अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह किसी की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो खुद इरादा न करे उसे बदलते। जाब्ता है, कुदरत तो अल्लाह को हर चीज पर है, जिसको चाहे बदलते, जिसको चाहे कबूल कर लेते, है ना। इसके लिए कहा जाता है कि हर एक आदमी नियत करके अपने को बनाने के लिए इरादा करे और उसके लिए कुछ वक्त वाली करे। अल्लाह ने कहा वजहदी इधर ये मंजूरी, वजहदी इधर ये मनाना, जो जो इनामत अख्तियार करेगा उसको हिदायत, और फिर उसके लिए जो कोशिश करेगा अच्छा बनने उसके लिए अल्लाह रास्ता खोलेगा, वो मन जा जो मुजाहिदा अख्तियार करेगा उसके लिए अल्लाह ताला हिदायत करेगा। और उसी तो ये इसके लिए मेरे भाइयों दोस्तों एक वक्त की कहा जाता है, थोड़ा थोड़ा और फारिग करें और एक खास माहौल में मस्जिद के दुरानी माहौल में अपना एक वक्त गुजारेंगे, तो उसका देखा आज हजारों लाखों लोगों के अंदर ये जो है आखिरत की फिक्र आ गई, भले बन गए, गुनाहों से तौबा करने वाले बन गए, दूसरों की खिदमत करने वाले बन गए। तो इसके लिए इरादा करें कौन कौन भाई तैयार। हमारे यहाँ कहते हैं कि एक बार चार महीने लगा ले आदमी, फिर अपने मकाम पर अपने हर चीज में आकर के उसी तरह से जिंदगी गुजारे। कोई चीज हमारे यहाँ जो है ना संन्यास नहीं है कि सब्जी छोड़ के आदमी हर चीज में लग जाए, एक तरतीब बताई जाती है कि जिंदगी में एक बार चार महीने लगा ले इसी माहौल में, ताकि ये जो बातें अर्ज की गई वो आ जाए उसकी जिंदगी के अंदर वो, और उसके बाद फिर अपने अपने जिस मसले में भी है उसमें ज्ञानदारी के साथ, अमानदारी के साथ, अखलाक के साथ अपना जिंदगी गुजारे, तो वो दूसरों के लिए और क्या बन जाएगा, ये समझिए रहमत बन जाएगा। तो नियत करें कौन कौन भाई तैयार है।